भवाली से कल्पेश्वर महादेव मंदिर 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से हमको 2 घंटे का समय लगता है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर देवदार और फूलों फलों से भरे जंगल के माध्यम से मुक्तेश्वर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर भव्य डाउनहिल ट्रैक है। यह एक अद्भुत सुंदर ट्रैक है और यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान होता है। और यदि आप पैदल ट्रैक नहीं कर सकते तो आप गाड़ी के माध्यम से भी कल्पेश्वर महादेव मंदिर में आ सकते हैं। मुक्तेश्वर से लगभग 45 मिनट का रास्ता और फिर लगभग 1 किलोमीटर की डाउनहिल ट्रैक आपको कपिलेश्वर मंदिर तक ले जाएगी। कपिलेश्वर महादेव मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण कत्यूरी राजवंश द्वारा 8वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। नदियों के बीच स्थित मंदिर की बनावट को देख के ऐसा लगता है कि जैसे 2 नाग रूपी नदियों के बीच में स्थित है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हर हर महादेव। शाम का टाइम हो चुका है, आज काफ़ी लेट हो गई हमको। अभी हमें कपिलेश्वर महादेव मंदिर मौना से आगे भवाली से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर है, जहाँ का लोग आज का हमारा है। आपको दर्शन कराएंगे हम महादेव के। काफ़ी देर हो गई है, अंधेरा हो गया है, धूप जाने वाली है, धूप चली गई है लगभग यहाँ से, और ठंडा भी काफ़ी होने लग गया। तो अभी हमें कपिलेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में और दर्शन करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और साथ ही में वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप दर्शन कीजिए मंदिर। मंदिर को अगर हम सामने से देखें तो मंदिर का द्वार जो है वो एक साइड से तिरछा नज़र आता है। लोगों द्वारा कहा जाता है कि शायद ये भूदशाओं के कारण एक साइड से तिरछा हो गया है, और कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ 2 नागों की लड़ाई हुई थी, जिस वजह से इस मंदिर का एक साइड से मंदिर तिरछा हो चुका है। मुख्य मंदिर में आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, जो अपने आप यहाँ पर स्थापित हुई है। धन्यवाद। हर हर महादेव।